पहले कोऑर्डिनेशन के सवाल पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कमेंट करने से इनकार कर दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने कमेंट कर अपनों पर ही निशाना साधा है। अपनों ने भी कह दिया कि चेहरा दिल्ली तय करेगा, फेसबुक और सोशल मीडिया नहीं। कांग्रेस अपने नए 7 कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए तैयार कर रही है और ज्वाइंट सोशल मीडिया कैंपेन चला रही है, लेकिन उसी सोशल मीडिया के जरिए पूर्व सीएम हरीश रावत ने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने फिर फेसबुक पर लिखा है कि 2017 में 2 सीट से चुनाव हारा, लेकिन सवाल आज तक पूछे जा रहे हैं और इनमें वो लोग हैं जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्रों से बाहर प्रचार तक नहीं किया है। रावत ने ये तक कह दिया कि 2017 की हार के बाद भी पार्टी चुनाव हारी है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। यानी रावत ने इशारों में सबको लपेट लिया, लेकिन हैरानी की बात ये भी है कि एक दिन पहले वो कोऑर्डिनेशन बनाने पर कुछ कहना नहीं चाहते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपनों पर ही फूट पड़े हैं। पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इस पर हरीश रावत ने क्या कहा था। हरीश रावत ने कहा था कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन प्रभारी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग के लिए बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। कांग्रेस में साफ है कि इंदिरा हृदयेश, प्रीतम सिंह, हरीश रावत के बीच जब केमिस्ट्री नहीं बन पा रही तो कोऑर्डिनेशन दूर की बात है। वहीं अब हरीश रावत पर भी वो हमले कर रहे हैं जो कभी उनके पक्के सिपाही कहे जाते थे। हरीश रावत सरकार में औद्योगिक सलाहकार रहे रंजीत रावत का कहना है कि चेहरा बनना है तो दिल्ली बात करे, फेसबुक और सोशल मीडिया पे लिखने से कुछ नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।